नमस्ते जी, सभी को प्रणाम। आपके लिए अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री ला रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे आप अपने घर में ही घर बैठे आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बड़े बड़े रोगों को कैसे आप दूर कर सकते हैं। ये है मधु स्टिक। मधु का अर्थ होता है शुगर, डायबिटीज, उसके लिए जो हवन किया जाता है, उसके लिए जो धुनी की जाती है, उसके लिए जो यज्ञ चिकित्सा की जाती है, वो है मधोइष्टि। तो जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, या उसको हम कहें जेनेटिक, माता पिताओं से हमको डायबिटीज़ हो जाती, या हमारे खान पान गलत आहार विहार विचार व्यवहार वाणी स्वभाव के कारण से डायबिटीज़ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो नेचुरल तरीके से रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मधोइष्टि है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या ऐसे सामग्री मिली हैं जिन सामग्रियों को लेकर आप अपने घर में बना सकते हैं। तो इसमें ये गुड़मार है, इनके पंचांग पूरे लिए गए हैं, फिर गिलोय है, इसकी पत्ती ली गई है, फिर इंद्रायन है, इसमें चिरायता है, काल मेघ है, शतावर है, अश्वगंधा है, काली जीरी और कुटज है। तो ये सामग्रियाँ मिलाकर ये मधुइष्टि बनाई है। तो आप भी कहीं आप अपने घर में ही देसी तरीके से मधुइष्टि सामग्री बनाकर, वो जेनेटिक आ गई या अभी इस समय उभर आई है, तो उन सभी प्रकार के जो डायबिटीज़ है, शुगर है, मधुमेह है, तो उन रोगों को आप दूर कर सकते हैं। 100 ग्राम सामग्री आपके पास यदि है, तो उसमें आप 20 ग्राम घी उसमें मिलाकर रख लीजिए, और 11 आहुति से आप हवन करें। जब अग्नि मन पर जाए, तो इसी में जो सामग्री है, जो मधुइष्टि हवन सामग्री, उसको ऐसे आप डालो, और जो धीरे धीरे ये धुनी तैयार हो रही है, जो औषधि वायु के रूप में तैयार हो रही है, उसमें हमको क्या करना है, फिर प्राणायाम करना है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति प्राणायाम करना है, मंडूक आसन जो रोगानुसार आसन है, तो हम उसको क्या करें, यज्ञ पूर्वक हम जब योग करते हैं, उसका परिणाम, उसका बेनिफिट ऐसा मिलता है जो अद्वितीय है। अभी तक ऐसा कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये पहला ऐसा कार्य है, ऐसा रिसर्च है, जिसका परिणाम अद्भुत आ रहा है, क्योंकि ये नैनो साइंस है। यज्ञ किसी भी चीज को यदि आपको सूक्ष्म से अति सूक्ष्म करना है, अपने शरीर में तुरंत असर दिखाना है, तुरंत आपको शरीर में ले जाना है किसी भी दवाई को, तो वो यज्ञ है, अग्निहोत्र है। से हम हवन करें, अग्निहोत्र करें, और अपने जो रोग है उसको दूर करें, तो आप इसी प्रकार से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पुनः हम मिलेंगे अगले सामग्री को लेकर रोगानुसार। तब तक के लिए सभी को नमन प्रणाम, ओम।